स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसटीएस प्राइम। आज है 10 जुलाई और आज टीसीएस ने नतीजे पेश किए हैं 2018 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के। TCS, जैसा कि हम सब जानते हैं कि IT की सबसे बड़ी कंपनी है। IT की क्या, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है TCS, और TCS का बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो अपन जानते हैं कि TCS ने 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में कैसा रिजल्ट डिक्लेयर किया। रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जितना अजम्पशंस किए थे सभी ने, उससे भी ज़्यादा बेटर कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किया है फाइनेंशियल ईयर 2018 के क्वार्टर में। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो अपन जानते हैं कि कंपनी की जो रिज़ल्ट है उसका अपन एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे, तो ये वीडियो देखते रहिए आप। ये कंपनी का रिज़ल्ट है जो कंपनी ने BSE को सबमिट किया है, BSE इंडिया को, एक्सचेंज को। ये कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, इसके बारे में अपन पास्ट के वीडियोज़ में जान चुके हैं, तो इसमें अपन वो बात नहीं करेंगे। ये पूरा जो कंपनी ने सबमिट किया है TCS ने, ये उसी का PDF है, तो इसमें अपन आगे चलते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, उसके बारे में दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हो डिटेल से अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें पढ़ने में। तो उसके बाद अपन नीचे आते हैं, तो कंपनी ने जानकारी दी है कंपनीज के बारे में। ये TCS की वो सब्सिडरीज है जिनसे TCS को रेवेन्यू आता है, तो लगभग 52 सब्सिडरीज कंपनी है, मतलब इन कंपनियों से TCS को रेवेन्यूज आता है। ये TCS के इनकम सोर्सेज है, तो बहुत ज़्यादा कंपनीज है, 52 कंपनीज है, जिसमें ATP ऑनलाइन है, CMS अमेरिका की कंपनी, अमेरिका में जो सब्सिडरी है, माँ ऑनलाइन है, MP ऑनलाइन है, टाटा अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, कनाडा, नीदरलैंड, कतर, स्विट्ज़रलैंड, चिलीज, ब्राज़ील, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बीजिंग, ऑस्ट्रिया, सब कुछ, मतलब ऑल ओवर कंट्री में ये TCS बिजनेस करती है। तो वहाँ जो सब्सिडरीज कंपनी ने बना रखी है, उरुग्वेज, पोर्टुगीज, डेनमार्क, लक्सनबर्ग, सऊदी अरेबिया, स्विट्ज़रलैंड, जितनी सारी अलग अलग देशों में जो इनकी TCS की सब्सिडरी है, तो टोटल 52 कंपनी को ये ओन करती है TCS। इनकी सब्सिडरी छोटी कंपनियां हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग कारोबार करती है, तो कंपनी को इन 52 सब्सिडरीज से रेवेन्यू आता है। लगभग सभी मेजर जो कंट्री है, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, बर्मा, साउथ अफ्रीका, चिली, तो टोटल जितनी भी कंपनियां हैं सबसे TCS को रेवेन्यू आता है। तो ये है TCS की रेवेन्यू अर्निंग की कंपनियां, इटली, तो यहाँ से कंपनी को रेवेन्यू आता है। अब ये है TCS के ऑडिटर, BSER & Corporation Limited जो इनके ऑडिटर है कंपनी के। उसके बाद अपन रिजल्ट पे आ जाते हैं। बिल्कुल, ये है रिजल्ट जो TCS ने सबमिट किए हैं। तो फर्स्ट है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, जो नेट इनकम हुई है कंपनी को ऑपरेशन से वो हुई, ये टोटल फिगर जो भी दिया गया है सब करोड़ में है, ये यहाँ पे दिया गया है कि जो भी फिगर अपन देख रहे हैं टोटल करोड़ में है। तो अगर 32,075 जो पिछले क्वार्टर का इनकम था, तो ये करोड़ है, 32,075 करोड़, ये पिछले क्वार्टर की अर्निंग थी, ये जून वाले क्वार्टर की, और ये पिछले ईयर की अर्निंग, तो तीन ईयर का इसमें दे रखा है, तीन क्वार्टर का, दो क्वार्टर का लास्ट, दो क्वार्टर जून 17 वाले क्वार्टर का, मार्च से 18 वाले क्वार्टर का, और जून का जो ये क्वार्टर है अभी, जो जून 2018 का क्वार्टर है, इसका इसमें रिजल्ट दिया गया है। तो लास्ट के दो का कंपैरिजन अपन कर सकते हैं, और ये ईयर का है जो फाइनेंशियल ईयर 2018 का हुआ था, मार्च वाले क्वार्टर का, तो ये तीनों का इनने रिजल्ट दे रखा है। तो
अपन देखते हैं इनकम कितना हुआ कंपनी को। तो लास्ट मार्च वाले क्वार्टर में, मार्च 2018 के क्वार्टर में 32,000 करोड़ की इनकम थी, तो इस वाले में 34,000 हो गई। इनकम फ्रॉम अदर ऑपरेशंस, अदर इनकम भी जो कंपनी ने जो ऑपरेशन किए हैं, ऑपरेशन के अलावा कोई अदर इनकम कंपनी को आई है तो वो भी बड़ी है, 994 थी, 1,225 हो गई। ये दोनों इनकम मिला के कंपनी को 35,486 करोड़ की इनकम फाइनेंस जो क्वार्टर है जून वाले क्वार्टर में हुई है, तो पिछले से काफ़ी बड़ी है इनकम। पहले 33,000 की इनकम हुई थी पास्ट वाले क्वार्टर में, अब 35,486 की इनकम हुई है, तो बहुत ग्रोथ है इनकम में। उसके बाद ये तो इनकम की बात, अब अपन एक्सपेंसेस देखते हैं कि एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हुए। तो एम्प्लॉय का जो एक्सपेंसेस लगा है, TCS को मैन्युअली जो सबसे बड़ा एक्सपेंसेस जाता है वो एम्प्लॉय का ही है, क्योंकि TCS एम्प्लॉय को हायर करके दूसरे को एम्प्लॉय या फिर सर्विस प्रोवाइड करती है, B2B सर्विस देती है, बिजनेस टू बिजनेस सर्विस देती है। तो उनका जो IT कंपनी है तो मैक्सिमम खर्च जो होता है एम्प्लॉय के ऊपर होता है। तो ये था एम्प्लॉय का एक्सपेंसेस, तो 17,000 पहले पास्ट वाले क्वार्टर में था, इसमें 18,000 हुआ है। और उसके बाद जो कंसल्टेंट्स जो हायर करती है कंपनी कुछ किसी भी वर्क को करने के लिए, तो उसका एक्सपेंसेस है। उसके बाद इक्विपमेंट या फिर जो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस वाइसेंस में जो खर्च आया है वो, ये खर्चे 533 का पास्ट वाले क्वार्टर में हुआ था, 613 का इसमें हुआ है। और उसके बाद डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लगा है कंपनी को, तो 505 का पहले पिछले वाले क्वार्टर में था और 493 का डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इस वाले क्वार्टर में है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या होता है, ये पास्ट वाले वीडियोज़ में अपन बिल्कुल बहुत डिटेल से समझ चुके हैं, तो इस वीडियो में ये अपन टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आपको जानना है डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट, इनकम, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, फाइनेंशियल कॉस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, PBT, EBT, जो भी सब मेथोडोलॉजी है, जो भी टर्म है, अगर आपको जानने हैं तो पास्ट वाले वीडियोज़ को आप देख सकते हो। तो इसमें अपन ब्रॉड बात करेंगे कि कहाँ से इनकम हुई, कहाँ से एक्सपेंस हुआ और कितना हुआ। तो कंपनी का जो एक्सपेंस होता है वो या तो एम्प्लॉय में होता है या फिर कंसल्टेंसीज हायर करती है उसमें होता है, इक्विपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेज करने में होता है, तो ये उसकी कॉस्ट है। उसके बाद डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इतना हुआ और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने आए, टोटल मिला के एक्सपेंसेस हुए 25,683 करोड़ के कंपनी को इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस हुए। पिछले क्वार्टर में इतने हुए थे, इसमें इतने हुए। तो अगर टोटल जो इनकम है, रेवेन्यू है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो बचता है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल कॉस्ट एंड टैक्स, तो ये PBIT होता है बेसिकली, फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट ब्याज। तो बचता है PBIT, PBIT कितना था 9,800 करोड़ का। उसके बाद जो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है ये 17 करोड़ की निकल गई, ये टोटल फिगर करोड़ में है, तो ये 17 करोड़ की क्या है, ब्याज ये कंपनी ने दिया था, पिछले क्वार्टर में दिया था 12 का और इसमें दिया है 17 करोड़ का, तो ये इसका फाइनेंशियल कॉस्ट निकल गया। अगर फाइनेंशियल कॉस्ट को अपन माइनस कर देते हैं तो बचता है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब जो प्रॉफिट अब बचता है उसमें से टैक्स देना बाकी रह जाता है, तो ये रहा टैक्स। PBT कंपनी का 9,786 है। उसके बाद अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स कितना बनता है कंपनी ने, टैक्स में भी दो तरह के टैक्स होते हैं, इसके बारे में भी अपन जान चुके हैं, करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स में वो टैक्स होता है जो ये 4 महीने निकले इस क्वार्टर के, उसका जो टैक्स बना, उसमें जो इनकम हुई उसका टैक्स बना, वो करंट टैक्स होता है। और उसके बाद डिफर्ड टैक्स वो होता है जो पहले का बकाया है उसको कंपनी को चुकाना है, तो ये करंट टैक्स कंपनी ने इतना पे किया, डिफर टैक्स इतना पे किया, जब टोटल टैक्स कितना पे किया, दोनों को ये यहाँ पे प्लस कर दिया, तो उसके बाद नेट इनकम, जब PBT में से अपन टैक्स को निकाल देते हैं तो नेट इनकम बचती है 7,362। ये टाटा TCS ने क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2018 का, उसमें नेट प्रॉफिट कितना कमाया टाटा कंसल्टेंसी ने, 7,362 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए। और बहुत सारे जो एडवाइज़र हैं, बहुत सारे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, बहुत सारे जो
सभी जानकारों ने जिनने भी एस्टिमेट लगाए थे कंपनी के, वो एस्टिमेट थे कि 7,100 करोड़ के समथिंग कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो वो जो अजम्पशन से उससे भी कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। 7,362 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, जो जो कि लगभग 6.5 या 7% से ग्रो हुआ है प्रॉफिट। उसके बाद कंपनी को जो इनकम यहाँ पे दी है, टोटल इतनी इनकम हुई है कंपनी को। उसके बाद कंपनी के रिजर्व इतने हो गए हैं। बेसिक डाइल्यूट ईपीएस, अपन आ जाते हैं ईपीएस पे कि ईपीएस पहले कितना था। ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कंपनी ने कितना कमाया। तो पिछले वाले क्वार्टर में कंपनी ने 18.04 रुपये एक शेयर पे कमाए थे, और इस वाले क्वार्टर में कंपनी ने 19.17 रुपये एक शेयर पे कमाए, मतलब ईपीएस इंक्रीज हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड भी, बोर्ड की मीटिंग ने डिसाइड किया है डिविडेंड के देने के बारे में। तो एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है टीसीएस की, तो उस पर 4 रुपये का डिविडेंड पर शेयर दिया जाएगा। 4 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया। उसके बाद आता है कैश फ्लो। ये कंसोलिडेट सेगमेंट का कैश फ्लो है। कैश फ्लो के बारे में अपन समझ चुके हैं। कैश फ्लो 3 टाइप का होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो ये इसका कैश फ्लो है। कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम अदर इनकम से आया, बैंक और फाइनेंशियल इंश्योरेंस मैन्युफैक्चर से जो कंपनी को रेवेन्यू आया, ये उसका कैश फ्लो हो गया। कैश फ्लो में अपने को ज़्यादा देखना नहीं है, क्योंकि अपन देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि रेवेन्यू कंपनी का इतना आया, तो ये कैश फ्लो था। उसके बाद असेट, ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। तो कंपनी के पास कितने असेट्स हो गए हैं? पहले वाले जो क्वार्टर था उसमें 11,700 के थे, उसके बाद सेगमेंट में असेट बढ़कर 12,788 हो गए। ये टोटल असेट अगर कैलकुलेट किए जाए तो ये पिछले क्वार्टर के थे, और ये इस क्वार्टर में बढ़ के ज़्यादा हो गए। ये असेट है, और ये कंपनी की लाइबिलिटीज़ है। टोटल लाइबिलिटीज़ इतनी है और टोटल असेट्स इतने हैं। ये था TCS का रिज़ल्ट। तो TCS का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया, और कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, और डिविडेंड भी इशू कर दिया है कंपनी ने। डिविडेंड बोर्ड जो मीटिंग हुई थी आज, उसमें डिविडेंड भी दिया जाएगा, 4 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये था रिज़ल्ट। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नोट होते हैं, नोट में इसके बाद ये नोट बताए गए। नोट में क्या होता है कि क्या कंपनी ने इस 4 महीनों में या इस क्वार्टर में किया है, और नेक्स्ट वाले आने वाले क्वार्टर में कंपनी क्या क्या करेगी, क्या क्या उसके अजम्पशंस हैं, क्या क्या उसके प्लान हैं, उसके बारे में नोट में दिया जाता है डिटेल से। तो ये नोट था। तो ये कंपनी का अपन ने जो एनालिसिस किया, या फिर आपने पूरा जो बैलेंस शीट को पढ़ा है, ये उसका कंसोलिडेट है, सेम टू सेम कंसोलिडेटेड, या स्टैंड, ये स्टैंड अलोन है। टाटा कंसल्टेंसी फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर एंडेड अनकंसोलिडेटेड, ये रहा ऑडिटेड अनकंसोलिडेटेड। मतलब कंसोलिडेटेड में वो होता है कि सबका, सब कंपनियों का मर्ज, जितना भी छोटी बड़ी TCS की जितनी भी कंपनी है, उन सबका एक कंसोलिडेट रिजल्ट होता है। और ये अनकंसोलिडेट है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो उसकी सब्सिडरी नहीं है, ओनली TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो प्रॉफिट है वो उसका उसका इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो वो सेम ही होता है। अपने को अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट कभी नहीं देखना है, क्योंकि अगर TCS ने दूसरी कंपनी बना रखी, जैसा कि अपन ने देखा कि पास्ट में टोटल 54 कंपनी है TCS के अंडर, तो प्रॉफिट तो 54 से आता है। ऐसा थोड़ी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब TCS जो कमाएगी वो उसका रेवेन्यू होगा, बाकी जो 54 कंपनी है वहाँ से उसका रेवेन्यू आता है, वो उसकी बैलेंस शीट में ऐड होएगा। तो अपन को रिजल्ट देखना हो तो अनकंसोलिडेट नहीं देखना है, कंसोलिडेट रिजल्ट देखना है अपने को। तो ये अनकंसोलिडेट है, मतलब ओनली TCS का है, सब कुछ वही सेम है, इनकम, ऑपरेशन, एक्सपेंसेस, PBT, नेट प्रॉफिट, पेट, डिविडेंड। तो ये अपने को इससे कोई इम्पोर्टेंसी ज़्यादा रखनी नहीं है। अपने को किसी भी कंपनी का रिजल्ट देखना हो तो वो कंसोलिडेट देखना है,
स्टैंड अलोन या फिर अनकंसोलिडेट रिजल्ट अपने को नहीं देखना है। तो ये था TCS के रिजल्ट का एक बेसिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।